वेल गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं ओडिन फोर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो किसी भी चीज को समझने से पहले हम पहले उसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सो भाई, ओरिजिन के हिसाब से ओडिन के दो भाई थे, बिली और बी, जिन्होंने फ्रॉस्ट एंड यमीर को हराने के बाद और फिर उसके बाद फायर डीमन सर्टर को भी चैलेंज कर दिया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि सर्टर आगे जाके नाइन रियम्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था। और जब ओडिन ने सर्टर से ये बात पूछी थी तो सर्टर ने इसके रिप्लाई में कहा था कि वो ये करेगा, वो अपनी स्वॉर्ड ऑफ डूम और इटर्नल फ्लेम के साथ नाइन रियम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस टाइम ओडिन ने ये सोचा कि क्यों ना उससे उसकी इटर्नल फ्लेम को ले लिया जाए और उसकी स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि वो ऐसा कर ही ना सके। सुनने में जितना आसान ये लग रहा है उतना ये आसान था नहीं, क्योंकि सर्टर भी एक डीमन किंग था। और फिर सर्टर अपनी इनफाइनाइट डीमन आर्मी को ओडिन और उनके भाइयों पर छोड़ देता है। तो उसे रोकने के लिए विली और वी आर्कटिक के रेजन स्टॉर्म को समन करते हैं ताकि फायर डीमन की आर्मी फ्रीज हो जाए। और भाई, ऐसा करने में वो कामयाब भी रहे, लेकिन फिर बारी आती है फायर डीमन सर्टर को हराने की। लेकिन सर्टर को तीनों भाई मिलकर भी हरा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने एक पावरफुल ब्लो के साथ सर्टर की स्वॉर्ड को तोड़ दिया। ओडिन के भाइयों को ये लगा कि ये उनकी जीत है, पर ओडिन ये जानते थे कि सर्टर एक बार फिर से लौटेगा, तो उन्होंने सर्टर से उसकी इटर्नल फ्लेम को भी छीन लिया। और अब अगर सर्टर वापस लौटता है तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। फिर ओडिन एसगार्ड वापस जाने के लिए पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। तभी सर्टर तुरंत से उठ के खड़ा हो जाता है और रियम से नॉकआउट कर देता है ओडिन को। और उसके बाद जब ओडिन होश में आते हैं तो देखते हैं कि रियम की एंट्रेंस जा चुकी थी और ओडिन के पास उन दोनों भाइयों की कंबाइंड पावर आ चुकी थी। और उसी कंबाइंड पावर ने ओडिन फोर्स को क्रिएट किया था और उनको ये पता चल गया था कि उनके दोनों भाई विली और वी अब और नहीं रहे। तो आपको फिलहाल तो ये पता चल गया होगा कि ओडिन के पास ओडिन फोर्स कैसे आती है। ओडिन फोर्स ओडिन के पास तब तक रहेगी जब तक ओडिन जिंदा रहेंगे, और जब ओडिन मर जाएंगे तो ओडिन फोर्स खुद ब खुद एसगार्ड के नए किंग के पास चली जाएगी। कॉमिक बुक में ओडिन फोर्स मैक्सिमम टाइम थॉर के पास जाती है, और एक बार ये लोकी को भी पास हो चुकी है जब उसने एसगार्ड पर रैग्नारोक को शुरू किया था। और ये ओडिन पर भी डिपेंड करता है कि वो किसे ओडिन फोर्स पास करना चाहते हैं। बस वो एसगार्ड का किंग और ओडिन के बच्चों में से एक होना चाहिए। ओडिन फोर्स ओडिन को बहुत सारी पावर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट करना, माइंड को रीड करना, और साथ ही में अदर डायमेंशन में ऐसी फोर्स फील्ड क्रिएट करना जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल हो, और अपने साइज को छोटा या बड़ा करना। और अगर बात करें बेसिक पावर लेवल्स की तो वो भी ओडिन फोर्स के साथ इंक्रीज करती हैं। एक बार तो ओडिन ने नई गैलेक्सी ही बना दी थी और उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो इन सब बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ओडिन फोर्स ओडिन की पावर्स को कितना ज्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा भी ओडिन फोर्स ओडिन को बहुत सारी पावर्स प्रोवाइड करती है, जैसे टाइम मैनिपुलेशन, मरे हुए लोगों या फिर गॉड्स को जिंदा करना, और किसी को वर्दी या फिर अनवर्दी बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार ओडिन ने म्यूनियर पर एक पावरफुल एन्चेंटमेंट लगाई थी ताकि सिर्फ वर्दी ही इस म्यूनियर को वील्ड कर सके। एक बार तो एक स्टोरी में जब थॉर ओडिन फोर्स के एक डायमेंशन आर्क में पहुंच गया था तो वहां खुद ओडिन फोर्स ने ओडिन की इमेज में थॉर को ये बताया था कि ओडिन फोर्स कोई एनर्जी की फॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पावर है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। सो ओडिन फोर्स गैलेक्सी की सभी जगह काम कर सकती है और ओडिन फोर्स से रियलिटी को भी चेंज किया जा सकता है। बट ये ओडिन फोर्स सिर्फ एक मल्टी लेवल तक ही काम करता है। अगर कोई यूनिवर्सल लेवल का बीइंग ओडिन फोर्स को चैलेंज कर दे तो ओडिन फोर्स हार जाती है, क्योंकि इसको रिचार्ज करने के लिए बार बार ओडिन स्लीप में जाना पड़ता है। तो भाई, इसीलिए जब ओडिन और गैलेक्टस की फाइट हुई थी तो ओडिन ने गैलेक्टस को थोड़े टाइम के लिए नॉकआउट कर दिया था, बट ओडिन को ओडिन फोर्स को रिचार्ज करने के लिए फिर से एक ओडिन स्लीप में जाना पड़ा, क्योंकि गैलेक्टस एक यूनिवर्सल बीइंग था। तो भाई, ये ओडिन फोर्स का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। तो भाई, इसके अलावा भी ओडिन ने एक बार ओडिन फोर्स से थानोस और सिल्वर सर्फर को बिना थके ही रोक दिया था। तो आपको ये ओडिन फोर्स की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई, वीडियो थोड़ी लेट हो रही है तो उसके लिए भी सॉरी। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोस डालूँ एंड साथ में कुछ और सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ, तो उसके लिए हमारी लेटेस्ट वीडियो को भी देखते रहिए। अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो उस बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।